महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव और हम आपको दिखा रहे हैं दिग्गज जो पहुंचे हैं वोटिंग डालने के लिए। इसके साथ ही तस्वीरें अलग अलग बूथ से जैसे जैसे आती है हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बड़े अच्छे मूड में दिखे, एकदम टी शर्ट के साथ और एक जोश उनमें भी दिखा। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की भी दिखा रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण को देखिए, शरद पवार को देखिए और सोलापुर और नांदेड़ अशोक चव्हाण और इधर सुशील कुमार शिंदे, सबकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज भी डाले हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा, कम से कम हरियाणा का जैसे हमने आपको बताया 6.7% के आसपास, 9:30 बजे तक ढाई घंटे में वोटिंग, तो अभी ज़रा रफ्तार पकड़े तभी अच्छी तस्वीर नज़र आएगी। लेकिन हम बड़ी तस्वीर की बात लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ ओम थानवी जी, संजय कुमार जी और इसके साथ ही राजदीप सरदेसाई सभी जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर हिंदुस्तान की राजनीति, राजदीप, इन चुनावों के साथ आगे किस तरह से बढ़ेगी? क्योंकि अगर वाकई इन दो राज्यों में स्पष्ट जनादेश मिल पाता है बीजेपी को, तो ये एक तरह से फिर तो भाई लहर ही लहर है फिर तो। बिल्कुल, एक बात साफ है और हमने उत्तर प्रदेश में देखा, इसलिए मैंने कहा यूपी मॉडल महाराष्ट्र में आ रहा है कि अगर विपक्ष बढ़ जाता है, मोदी बनाम बाकी विपक्ष जो बढ़ जाता है तो एडवांटेज बीजेपी है, लेकिन अगर बिहार की तरह विपक्ष एकजुट हो जाता है तो फाइट होगी। और मुझे लगता है अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलती है तो जितने भी विपक्षी पार्टी हैं वो सोचेंगे कि क्या हम अगर एकजुट हो तो हमें कोई चांस है। जिस तरह से 1970 की दशक में जब कांग्रेस इंदिरा गांधी के नाम पर आई थी, पहले उन्होंने जितने भी राज्य के चुनाव थे 71 और 74 के बीच में, सभी में उनकी जीत हुई थी, लेकिन जब एकजुट हुआ विपक्ष गुजरात में 75 के साल में, तब स्थिति बदली। तो मुझे लगता है अगर इस चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का मॉडल सक्सेसफुल होता है तो मुझे लगता है कि जरूर विपक्ष जो है उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही इंपैक्ट होगा। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ऊपर से रखा है और नीचे के लेवल पर वो लोकल नेटवर्क, लोकल अलायंसेस और ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रही है, इससे उनको फायदा हो रहा है। विपक्ष की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो है वो कमजोर हुई है। यूपी में आपने अखिलेश सरकार के खिलाफ देखा होगा लोगों का एक गुस्सा था, महाराष्ट्र में आज कांग्रेस एनसीपी के सरकार के खिलाफ गुस्सा है, हरियाणा में शायद कुछ हद तक हुड्डा के सरकार के खिलाफ गुस्सा है, उसका एडवांटेज बीजेपी ले रही है। यानी राजनीति जो बदल रही है वो एक तरफ मोदी और बीजेपी, दूसरी तरफ विपक्ष, एक तरह से एक पोलराइजेशन हो रहा है। ये आपको, मुझे लगता है, जो चुनाव अगले साल होंगे खास करके बिहार में, वहां देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मोदी वर्सेस बाकी ये जंग है, और अगर बाकी है तो खंडित बाकी यानी खंडित विपक्ष मोदी को ही फायदा पहुंचाएगा। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ, सत्येन चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि रोहतक से जुड़े हुए लगातार, और रोहिणी स्वामी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। रोहिणी, जब आपने पूछा चौहान साहब से कि आपकी धड़कन कैसी है, तो कह रहे थे कि ठीक है और हम तो नंबर वन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नीचे से नंबर वन की लड़ाई ना हो, कयामत की रात बीती है लेकिन कयामत का दिन साबित ना हो, बस यही चाह रहे होंगे। बिल्कुल, और कयामत की रात भी थी उनके लिए, क्योंकि जब हमने उनसे, उनके लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वो सुबह के 4 बजे सोए थे और 7 बजे उठे, तो रात भर उनकी जो विचार विमर्श हो रही थी पूरी बात से। पर अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बात करें तो देख रहे थे कि थोड़ी बहुत वो गुस्से में थे, थोड़े निराश भी थे, क्योंकि उनको, उनका जो जो उनकी जो बातें उन्होंने कही थी एनसीपी के बारे में, जो उन्होंने कही थी जो कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, उनको अच्छी नहीं लगी। लग रहा है कि उनको कहीं से ठेस पहुंचा है। पर सबसे अहम बात, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हैं। कराड कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर वो यहीं से खड़े हो, अभी अपने मतदान डाल के चले गए हैं। अब एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग वार्ड्स में जलेंगे। पर सबसे अहम बात, उनका एक बात उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ लोगों के पास अपनी एक इमेज लेके, और वो भी वो एक क्लीन इमेज जो अपने आप को कहते हैं वो लेके जा रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। क्या लोग उसको देखे, ये रिपोर्ट कार्ड देखे उनको वोट करेंगे कि क्या वो कांग्रेस और जो गठबंधन हुई थी महाराष्ट्र में उनकी परफॉर्मेंस देखे वोट करेंगे, वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सत्येन जल्दी से एक दो लाइन का जवाब। कॉन्फिडेंट तो हुड्डा साहब भी दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पिछले बार बैडमिंटन और टेनिस खेलते हुए दिखे, आज वहां पर टी शर्ट के साथ लोगों से चाय पर मिलते हुए।
अंदर बिल्कुल ठीक कहा, कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास फिलहाल हुड्डा साहब में बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन अब हरियाणा का मतदाता फैसले करने जा रहा है कि आखिर ये कॉन्फिडेंस किसके साथ जुड़ता है। बहरहाल पूरे हरियाणा की बात करें तो सभी पार्टियां अपने आप पे फिलहाल अपनी दावेदारी जता रही हैं, लेकिन सभी सबसे बड़ा इम्तिहान जो आप कह रही हैं बार बार कि कहीं ना कहीं मोदी के लिए ये अग्नि परीक्षा के समान है, क्योंकि मोदी और अमित शाह दो ही ऐसे चेहरे हैं जो फिलहाल हरियाणा में जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी अभी तक बीजेपी ने अपनी तरफ से किसी को घोषित नहीं किया है। शायद ये एक रणनीति भी हो सकती है कि इलाके वाइज 4-5 कैंडिडेट आप खड़े कर दो और उनके नाम पर कि हमारा अहिरवाल से कैंडिडेट हो सकता है, रोहतक से भी मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है, करनाल से भी दावेदार हो सकता है, शायद मुख्यमंत्री के नाम पर भी एक वोट जो है हरियाणा के लोग दे दें, तो ये भी कहीं फिलहाल रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है।